हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन बॉक्सिंग में। फन बॉक्सिंग क्योंकि फन भी जरूरी है। और आज फिर से एक तड़कती भड़कती वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने। और जैसा कि आपको थंबनेल से ये पता लग गया होगा कि आज मैं किसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो जी हाँ, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोल्ट कंपनी के ईयरबड्स की। जी हाँ, बोल्ट, ये दो कंपनियाँ हैं गाइस, एक होती है बोट और एक होती है बोल्ट। तो ये बोल्ट है, तो मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जी हाँ, बोल्ट ऑडियो Z40, यही है इसका नाम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इसको अनबॉक्सिंग। और ये कागज़ी टेप है तो ये हाथ से काम चल जाएगा। लेकिन और एक बात गाइस, इस ईयरबड्स को मैं 1.5-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बिना इस्तेमाल किए आपको झूठे या गलत रिव्यू बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है, मैं उसी के बाद आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। तो अब मैं फ़िलहाल खोलने की एक्टिंग कर लेता हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये अब मार्केट में कितने का मिल रहा है और मैं कितने का लुटाऊँ, मैं सब बताऊँगा आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते वीडियो को शुरू, लेके टेक्निकल गुरुजी का नाम, चलिए शुरू करते हैं। और अरे ये क्या है इसके अंदर, ये देखिए गाइस, जब मैंने इसको मंगाया था ये मुझे पड़ा था 1500 का, ये देखिए 1498। लेकिन ये अब कितने का अवेलेबल है अमेजोन पे वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और ये है हमारा प्रोडक्ट, ये देखिए फ्रंट में दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया यूवी लेमिनेशन के साथ इसका फ्रंट लुक बर्ड्स का, साइड में लाइक नेवर बिफोर, ठीक है भाई चल जाएगा, बारकोड है। इधर से दिया हुआ है अंदर का लुक, ये देखिए, और पीछे कुछ डिटेल्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। करके देखते हैं इसको ओपन। ये एक बोल्ट ऑडियो के नाम से पाउच, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है पहले कचरे को करते हैं साइड में। ये देखिए इसके अंदर हमको मिलता है स्कैन एंड सिक्योर एंड एक्सटेंड 3 मंथ्स वारंटी। तो गाइस इसको अगर आप स्कैन करके इसमें भी डिटेल फिल कर दोगे तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी, यानी कि 1 साल की वारंटी कंपनी ने दी है। और ये देखिए इसमें प्रोसीजर भी बताया गया, स्टेप 1 स्कैन क्यू आर कोड, स्टेप 2 फिल योर डिटेल, स्टेप 3 आर यू सेट विद द वारंटी। हो गया, बहुत ही आसान प्रोसीजर। ये देखिए 2 रजिस्टर 4 15 मंथ वारंटीज, तो ये 1 साल के बदले आपकी 15 महीने की वारंटी हो जाएगी। तो गाइस कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और ये दिया हुआ है एक यूज़र मैनुअल, काफ़ी कलरफुल और छोटा सा एक यूज़र मैनुअल है, आप पढ़ लो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको करते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। एक्सेसरीज, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर हो गया सीरीज, कैसे सीरीज वो हम खोलने के बाद देखेंगे। पता नहीं क्यों जब भी मैं कोई अनबॉक्सिंग करता हूँ सब कुछ उखड़ के बाहर आ जाता है। तो इस एसेसरीज बॉक्स के अंदर क्या एसेसरीज मिलती है, ये एसेसरीज हम खोल के एसेसरीज में देख ही लेंगे। पता नहीं इतना एसेसरीज क्यों हो रहा है। एसेसरीज के नाम पे कलंक, वही एक छोटी सी सी टाइप केबल जो हर गैजेट्स के साथ आपको अनवाइट टाइप में मिला करेगी, क्योंकि अब कंपल्सरी हो गया है सी टाइप जैक लगाना हर तरह गैजेट में, ताकि हम लोगों को परेशान ना होना पड़े कि फ़ोन का चार्जर कौन सा है, बर्ड्स का चार्जर कौन सा है, पावर बैंक का चार्जर कौन सा है। तो इसीलिए अब हर जगह आपको मिला करेगी सी टाइप पावर पोर्ट, इसलिए सी टाइप केबल आपके पास बहुत सारी होने वाली है। इसको करते हैं साइड में। और ये एक्स्ट्रा बर्ड्स, मतलब शायद इनको बर्ड्स ही बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट बर्ड्स, आपके कान के साइज के हिसाब से छोटे या बड़े, जैसा है आपका कान का सुराख वैसे ही आप बर्ड्स लगाकर अपने इनको कान में डाल सकते हो। तो फिलहाल इसमें जो लगे हुए वे परफेक्ट फिट के साथ है, तो मैंने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया है और मैं इनको रख देता हूँ साइड में। और चलते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के पास। ये देखिए गाइस, मैं इसकी आपको पहले कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको थोड़े से स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको इतनी दूर से ऐसे करके इसकी वीडियो दिखा सकता था, लेकिन नहीं, बात तो सही है। ये देखिए
ये स्क्रैचेस दिख रहे होंगे आपको, ये नीचे दिया हुआ इसके अंदर एक चार्जिंग जैक। ये स्क्रैच गवाही दे रही है कि मैंने इसको कितनी बुरी तरह से यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई हर चीज़ को ठोक पीट के इस्तेमाल करता है और फिर आपके सामने लेके आता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास टिक गया तो आपके पास तो वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत रफली यूज़ करता हूँ। और अंदर से देखने से आपको पता लगेगा, देखिए शाइनिंग दिख रही होगी लाइट की, बाहर से ये मैट फिनिश लेकिन अंदर से यह ग्लोसी में, ये देखो बाहर दिया हुआ है बोल्ट की ब्रांडिंग, इधर लेफ्ट और इधर राइट, सामने एक नन्नी सी लाइट, ये नोटिफिकेशन लाइट है जो चार्जिंग के टाइम पर जलेगी। और इनको फ़ोन से कनेक्ट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको अपने बॉक्स से बाहर निकाल देना है, बस इनको बाहर निकाल के रख दो और अपना फ़ोन उठाओ, इसका करो ब्लूटूथ ऑन। गाइस स्क्रीन पे थोड़ी लाइनिंग आ रही है, इग्नोर करना, ये पता नहीं क्यों फ़ोन की स्क्रीन से आ रही है या फिर आसपास जो मैंने लाइटें लगाई हैं उन लाइट की वजह से आ रही है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक सर्च करने लग जाएगा। और ये देखिए बोल्ट ऑडियो एयरबस, ये अपने आप आ गया है, इसमें हमने कोई बटन नहीं दबाया है, कोई पेयरिंग नहीं की है, और सिर्फ वन क्लिक के बाद ये देखो आपको पेयरिंग शो हो रहा होगा, पेयर कर दो इसको और ये कनेक्ट हो गया है। देखिए इसमें आपको बैटरी भी शो होगी, अब इनकी 100% बैटरी है, तो ये बड़ा ही आसानी से कनेक्ट होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इनको जैसे ही वापस से अपने कैरी बॉक्स के अंदर वापस डालोगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और ये देखिए इसकी लाइट जल गई है, ये वापस से चार्जिंग करने लग जाएंगे और यहाँ से भी डिस्कनेक्ट। लेकिन एक बार पेयर होने के बाद आपको सिर्फ इनको अपने बॉक्स से निकालना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए अभी कनेक्ट नहीं है, जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला कुछ ही सेकेंड में ये अपने आप पेयर हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखो गाइस ये अपने आप पेयर हो गई है, इसमें मैंने कोई बटन नहीं दबाया है, वापस रख दूंगा तो डिसकनेक्ट। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। और ये तीन कलर वेरिएंट में आता है जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डार्क ब्लू शेड में है ये, और एक वाइट और ग्रे शेड में भी आता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और ये दूसरे वाला ये हल्का हल्का ग्रीन जैसा कोई कलर है, मेरे को पता नहीं कौन सा कलर है, ये इसमें भी अवेलेबल है। और इसको अंदर से देखने से काफ़ी यूनिक लुक लगता है, जैसे आयरन मैन का हेलमेट खुलता है, ये देखो साइड से कुछ ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस। और इसमें दिए एक हल्की सी मैग्नेट ताकि ये ढक्कन खुलने के बाद भी कहीं गिरे नहीं, ये अपने आप अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। ये देखिए तो ये छोटी सी मैग्नेट का कमाल है और कुछ नहीं, और बंद होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा सा और कॉम्पैक्ट है ये। इसको आप जेब में लेकर अगर चलोगे तो आपको कोई हैवी फील नहीं होने वाला कि आपने कोई मोटी सी डब्बी ले रखी है, बहुत छोटा सा है तो आपको पता भी नहीं लगेगा। इस बड्स में आपको IPX5 की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, जिससे आप इसको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश में या पसीनों में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें दिया गया है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन गाइस वो एक बहुत अच्छा फीचर है खासकर इस रेंज के बड्स में, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन का काम है कि जब आप कोई गाने सुन रहे हो या किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और हमारे आसपास होने वाली छोटी मोटी नॉइज़ जो होती है उनका वो दबा देता है और सामने वाले बंदे को आपकी ये आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। और वो साथ ही साथ इसमें 10 mm का एक हैवी ऑडियो ड्राइवर लगा हुआ है, जिससे इसके अंदर की जो आवाज़ के साथ जो बेस है, अगर आपको गानों में बेस पसंद है, क्योंकि बेबी को भी बेस ही पसंद है, तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका बेस बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको 1.5 महीने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा चलता है। आप इसकी सिंगल बड्स यूज़ करें या दोनों, ये 5 से 6 घंटे तक चल जाती है, और इसकी बैटरी ख़त्म होने के बाद इसको आप वापस से बॉक्स में रख दो, ये फिर से चार्ज होने लग जाता है, और ये 1.5 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है, 0 से 100%। मेरे पास ये पूरा दिन यूज़ होने के बाद, जैसे कि 7-8 घंटे यूज़ होने के बाद भी 4-5 दिन तक इसकी बैटरी चलती रहती है। और कंपनी इसकी 60 घंटे की बैटरी बैकअप बोल के देती है बॉक्स के साथ, लेकिन 5-6 दिन तो ये मेरे पास भी इसकी बैटरी कहीं नहीं गई, क्योंकि मैंने इसको पूरा दिन यूज़ किया है, तो सच में इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें दी है बड्स में बैटरी, फिर इसकी बॉक्स में बैटरी, और फिर इसकी बैटरी खत्म होने के बाद इसको आप चार्ज कर सकते हैं सी टाइप के चार्जर से। और एमरजेंसी में इसमें फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जिसे आप 10 मिनट चार्ज करके 100 मिनट तक इसको यूज
कर सकती है, तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। इसके ऊपर आपको कोई बटन नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इसके ऊपर दिया गया है सॉफ्ट टच, ये टच से वर्क करता है, इसमें बटन की जरूरत नहीं है। सिंगल टच पे आप कॉल उठा सकते हो, डबल टच पे आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। राइट वाले को टच करोगे तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाले को टच करोगे तो गाना प्रीवियस हो जाएगा, यानी कि पिछला गाना चल जाएगा, और सिंगल टच पे गाने पॉज हो जाएगा। तो ये सब टच से वर्क करता है, इसमें किसी बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें दिया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.2, तो ये आसानी से आपके एंड्रॉयड, एप्पल या लैपटॉप में आसानी से कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, और उसकी रेंज है 10 मीटर तक की। तो ये 10 मीटर तक अच्छे से वर्क करता है अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स या कोई रुकावट ना आए तो। अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये मुझे पड़ा था 1500 रुपये का, लेकिन अब करंट में आज ही की डेट में ये अमेजोन पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में। तो अगर आप इसको अभी बाय करते हो तो आपको ये और भी 300 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो आपको ये 1200 रुपये में इन हैंड पड़ जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो या इसके फीचर्स पसंद आए हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब तक मुझे इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट बड्स यही लगा है, और दूसरा ब्रांड का है, कोई लोकल नहीं है, क्योंकि 600-700 रुपये की बड्स अवेलेबल है, लेकिन ये बोल्ट ब्रांड भी अच्छा है। मैं पहले भी इसी कंपनी के और भी बड्स यूज कर चुका हूँ, तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है और 1200 रुपये की रेंज में तो बहुत ही शानदार। अब मैं आपको इसको कान में लगा के दिखाता हूँ कि ये कितना कंफर्टेबल है और आसानी से गिरने वाला नहीं है, ये देखिए। तो अगर ये बड्स आपको अच्छे लगे हो तो आप जाकर बाय कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो इस वीडियो करते हैं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, थोक के भाव इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है पढ़ने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।